नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरमान। एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं दर्शकों। दरअसल सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो लोगों के पैसे थे जो डूब गए थे उन पैसों का क्या होगा। और दरअसल सुब्रत राय की संपत्ति को लेकर के भी तरह तरह के आपके जहन में सवाल होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अररिया यानी कि बिहार के उस छोटे से ज़िले सीमांचल से निकलकर गोरखपुर में अपने बिजनेस की शुरुआत करना और 78 के दशक में जब वो शुरुआत कर रहे थे उसके बाद कोई नहीं ये जानता था कि ये अदनासा लड़का अदनासा बिजनेस करते हुए पूरे देश पर छा जाएगा। 2000 का वो सन था जब सारा ग्रुप पूरे आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष पर कहीं ना कहीं छाया हुआ था। हर जगह पर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र आ रही थी और कई बड़े फ्रेंचाइजी जो आप कह सकते हैं उन्होंने ख़रीद ली थी। लेकिन अब जब के सहारा के प्रमुख चेयरमैन सहारा श्री सुब्रत राय का निधन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जो लोग जिनके पैसे लगे हुए थे उनके जहन में एक ही सवाल है। हालांकि सहारा के पास जितने पैसे उनसे इन तमाम कर्जों को चुकाया जा सकता है और उनके पास देने जितनी दौलत का अंबार है ये आप बखूबी जानते हैं। लखनऊ से लेकर के मुंबई की बात करें देश के अलग अलग हिस्सों में दौलत का भारी अंबार है। और दरअसल इस वजह से ये माना जा रहा है कि दरअसल अब जो है इस पर सरकार कोई ना कोई आदेश ज़रूर जारी कर सकती है। इससे पहले अमित शाह ने भी एक पोर्टल को जारी करते हुए कहा था कि सहारा में जो लगे लोगों के पैसे हैं उनकी वापसी का सिलसिला अब शुरू होगा और इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं कदम उठा दिया गया है। मंगलवार की रात जो है सहारा के प्रमुख चेयरमैन सहारा श्री सुब्रत राय का निधन हो जाता है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और लंबे समय से कई मामलों में उनके नाम आ रहे थे तो ऐसे में अब इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस पर सरकार का अब अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।